और आप बात दरभंगा एम्स की। दरभंगा में बनने वाले प्रस्तावित एम्स घोषणा के 8 साल बाद भी अधर में लटका हुआ है, लेकिन इस एम्स पर न सिर्फ बिहार की सियासत गर्म है बल्कि दरभंगा में राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ा हुआ है। आए दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता अपनी अपनी सरकार को बचाते हुए एम्स को लटकाने का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ते हैं। इसी कड़ी में दरभंगा में इंडिया के नेताओं ने महाधरना दिया और एम्स को लेकर केंद्र सरकार पर एनओसी नहीं देने का आरोप लगाया। आज मंत्री के हैसियत में इंडिया महागठबंधन की ओर से जो आज धरना का कार्यक्रम हुआ है, शर्म को भी शर्म आता है, लेकिन यहाँ के भाजपाई लोगों को शर्म नहीं आती है। वही लोग रोका है और वही लोग अब फिर किस चीज का धरना दे रहे हैं। आज एनओसी भारत सरकार से आ जाए और 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर निर्माण कार्य जो प्रक्रिया है होने के बाद नहीं हो, वो धरना करे, आमरण अनशन करे, तो ये समझ में आएगा। कौन बनाया है? हम तो दिए हैं कि आप दीजिए, आप एनओसी दे दीजिए। इन्होंने अभी तो सिद्दीकी साहब ने ठीक ही कहा, अब वो क्या बनाएंगे? ये आप 11 महीना से आप एनओसी नहीं दे रहे हैं, आप क्या एनओसी दीजिएगा? तमाशा करने चले हैं। कल तक ये कहते थे डीएमसीएच में मैं धरना दूंगा, आज आ गए हैं यहाँ पर धरना देने के लिए। झूठ को दबाने के लिए इस तरह का अतिक्रम कर रहे हैं, जो वहाँ धरना देने का कार्यक्रम कर रहे हैं। और कोई बात नहीं है, अब वो फेंका हुआ थूक चाटने के लिए तैयार हो रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो यदि उनमें जरा भी शर्म है तो प्रायश्चित करें प्रधानमंत्री जी के। ये एम्स का डिमांड पुराना डिमांड है और जब मैं मतलब ये जो कह रहे हैं ये नहीं है वो नहीं है, अब तो ये बना भी नहीं पाएंगे। अब जो है ये सरकार बना भी नहीं पाएगी भाजपा की, दूसरी सरकार आएगी गठबंधन की, वही यहाँ एम्स बनाएगी। जहाँ यहाँ की जनता ने तय किया है वहीं हम लोग एम्स बनाकर दिखाएंगे।